दारू छोड़ो। इस वक्त आप देख रहे हैं बनियाडी छठगढ़ जानकारी लेना चाहेंगे छठ के विषय में। छठ के विषय में कुछ बताएं मैं आपको क्या कहना है छठ के विषय में। आप इस छठ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? छठ हिंदुस्तान में या बिहार से चला है, बिहार झारखंड पूरा हिंदुस्तान में छठ की महिमा ब्रह्म अपार है। इसमें भगवान का अर्घ देता है, भगवान से विनती मनाता है, कोई भी रोग व्याध ये सब जो है छठ मैया उसको हरण करता है, इसलिए छठ की महिमा ब्रह्म अपार है। आप लोगों काफ़ी आस्था बना हुआ है इस छठ का, और हम लोगों का आस्था छठ मैया के इससे बहुत है। इस छठ को लेके क्या कहेंगे महिलाएं हैं? मैं यहाँ छठ के विषय में क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? यह आस्था और विश्वास का महापर्व है जो सामूहिकता को प्रदर्शित करता है, और इसमें लोग बहुत ही निष्ठा से और बहुत ही अच्छे तरह भाईचारा से इसे मनाते हैं। इस वक्त मैं छठ पूजा में बनियाडी घाट में आप देख रहे हैं कल ट्वेंटी फोर, और यहाँ जो सूर्य देव का जो है अपना अर्घ देने के लिए काफ़ी सज के लोग घाट पर सजा रहे हैं, और सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं बनियाडी घाट पर काफ़ी महिलाएं बच्चों के लोगों ने भाग लिए हैं, और यहाँ श्रद्धालु भी काफ़ी छठ माँ को देखते हुए लोग श्रद्धालु इस घाट में पहुँचे हैं। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं काफ़ी भीड़, अभी तो थोड़ा शाम ढलते ढलते अभी यहाँ का धीरे धीरे लोगों को काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ता हुआ। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं बनियाडी घाट, बनियाडी घाट पर मेरे वीडियो साहबी पहुंचे हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। मैं उनसे पूछेंगे कि जया लेते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह की तैयारी है। सर पल्स न्यूज़ 24 में स्वागत है सर। आज अभी फोर्स थाना प्रभारी के साथ अपने विजिट कर रहे हैं सारे छठ घाटों का, फोर्स डिप्यूटेड है सभी जगहों पर। आप लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा गहरा पानी पे नहीं जाए, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, फोर्स भी डिप्यूटेड है, मॉर्निंग तक रहेंगे जो फोर्सेज है। हम लोग की उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इसके लिए जो भी तैयारियां हैं प्रशासन के स्तर से करें। ठीक सर, इस तरह की प्रशासन की तैयारी है सर। पल्स न्यूज़ 24 में सर आपकी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। छठ महापर्व को लेकर हम लोग पूर्व से ही सारे छठ घाट की सफाई से लेकर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था सारा चौक चौबंद है, और हम लोग हर जगह हर घाट में फोर्स डिप्यूटेड है, सब जगह चौकीदार से लेकर हमारा जो फोर्स है IRB फोर्स है और जिला के भी फोर्स है, सब जगह डिप्यूटेड, कोई दिक्कत नहीं है और निगरानी रखी जा रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं छठ घाट पर, मैं बार बार मैं छठ घाट का उल्लेख करते हुए, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बनियाडी घाट पर और यहाँ गाजे बाजे का सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं छठ घाट पर, और जितनी भी छठ व्रती है अपना बाजे गाजे के साथ पहुँचे सीधा आप तस्वीर देख रहे छठ, और यहाँ तक भी प्रशासन भी इस कार्य को मुआयना करते हुए देखने को मिला। यहाँ थाना प्रभारी से लेकर वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इस घाट के नमून जायजा लेते हुए पहुँचे हुए, किसी तरह के कोई दुर्घटना न हो और हर तरह के ब्रेकिंग का सुविधा किया गया है प्रशासन की ओर से। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये पूरे क्षेत्र का जो देख रहे हैं कि लोगों के काफ़ी छठ माँ के लेकर आस्था बनी हुई है, और सीधा आप देख रहे हैं कि पूरे सूपों से सजा हुआ घाट एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, और शाम के धीरे धीरे शाम ढलते जा रहे हैं और लोगों की भीड़ एकत्रित होते घाट पर देखने को मिल रहा है। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं बनियाडी घाट पर, जगह जगह पर ये मूर्ति का स्थापित किया गया है, तो छठ घाट पर ये बनियाडी छठ घाट पर मूर्ति का स्थापना किया गया है, स्थापित किया गया। आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं बनियाडी घाट छठ घाट पर सूर्य भगवान का ये मूर्ति स्थापित किया है, और उसकी पूजा अर्चना करते हुए लोग बस्ता पहाड़ का जो शिवगंगा है शिव मंदिर का उस प्रांगण में छठ पूजा करते हुए सीधा दिख रहे हैं तस्वीर। यहाँ लोग शिवगंगा में
सहज के और ब्रेकेटिंग का प्रशासन की ओर से ब्रेकेटिंग का व्यवस्था किया गया है और सीधा पशु देख रहे हैं छठ पूजा को लेके काफ़ी प्रशासन भी चुस्त दुस्त देखने को मिल रहा है। सीधा तस्वीर देख रहे हैं, ये शिवगंगा का तस्वीर है छठ पूजा घाट का। आप देख रहे हैं बस्ता पहाड़ का शिवगंगा में छठ पूजा करते हुए लोग महिलाएं और उनको जो पूजा अर्घ देते हुए सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं शिवगंगा का और छठ को लेके काफ़ी लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और बाजे के बाजे के साथ छठ घाट पहुंचे हुए सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त शिवगंगा बस्ता पहाड़ का सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं। ये छठ कितनी महत्व रखता है लोग यहाँ क्षेत्र के लोगों को और देख के काफ़ी उत्साह के साथ और काफ़ी उत्साह देखने के साथ और इतनी आस्था है छठ माता की। आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं लोगों में छठ बाजे के साथ पहुँचा हुआ सीधा तस्वीर देख रहे हैं शिव के प्रांगण। आप देख रहे हैं सभी पोखर में काफ़ी लोगों के यहाँ प्रशासन की व्यवस्था किया गया है सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ है। काफ़ी ये पोखर को देखने को मिला है, काफ़ी सजावट किया गया है। देखिए किस लोगों का रास्ता का भीड़ है, काफ़ी लोग माता यहाँ सीधा आप तस्वीर देख सकते हैं मनी पोखर का। और ये देखिए चारों तरफ काफ़ी संख्या में इस पूजा को घाट पर पहुँचे हुए हैं। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं पूरे क्षेत्र का लोग इस पोखर पहुँचे हुए हैं। सीधा आप देख रहे हैं जो बस्ता पहाड़ जो यहाँ कचुआ विद्यालय के जस्ट बगल में जो सोनी पोखर कहा जाता है उस पोखर में काफ़ी माता और यहाँ छठ पूजा को लेके काफ़ी लोगों को पूरे चारों तरफ यहाँ छठ का प्रति यहाँ पधारे हुए हैं और यहाँ क्षेत्र के लोग भी काफ़ी क्षेत्र के लोग भी इस स्थान पोखर पर आए हैं। सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं पूरा खचम खच यहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है। ये छठ पूजा लेके आप लोगों क्या कहना है? ये छठ पूजा प्रति वर्ष यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ होती है, हाँ बड़े धूमधाम से, और यहाँ के आसपास चार पांच गांव से लोग आते हैं और श्रद्धापूर्वक मनाते हैं छठ पूजा। आप लोगों क्या कहना है सर छठ पूजा लेके? बहुत बढ़िया से होता है छठ पूजा, हर साल होता है और सबके दिलों में एकदम ये छठ पूजा का जो है आस्था है और हम लोग आते हैं यहाँ पे हर साल प्रत्येक साल यहाँ पे मनाते हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि माता लोग अर्घ देते हुए अपना आस्था के साथ अर्पित करते हुए सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं। ये श्रद्धालु लोग जो है क्षेत्र के तमाम लोग हैं जो कि अर्घ देते हुए सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं। ये सूर्य देव का जो कि सूर्य भगवान सूर्य हम आज छठ मां को लेते हैं ये भास्कर महाराज जो है कितनी लोगों की आस्था है सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं बनी पोखर में और काफ़ी लोग भीड़ है सूर्य को अर्घ देते हुए सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त और अर्घ देते हुए सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त सूर्यदेव का सूर्यदेव भगवान का छठ माँ को लेकर काफ़ी लोगों को स्वागत मिल रहा है सीधा आप तस्वीर देख रहे हैं।